आज हमने यहाँ पे ये ज्वाइनिंग रखी है, ऑलरेडी ये ज्वाइन कर चुके थे हमारी पार्टी में, तो आज हमने इनको हिलाल साहब को डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का प्रेसिडेंट यूथ का नॉमिनेट किया है, आज हम इसको अपॉइंटमेंट लेटर भी देने वाले हैं। तो हिलाल साहब आप आइए आगे, तो आपको रामविलास इनको हमने नॉमिनेट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर यूथ का किया है। इसको वाइस प्रेसिडेंट यूथ श्रीनगर का नॉमिनेट किया गया है। पार्टी जिंदाबाद, रफीक साहब जिंदाबाद, शाहबाज साहब जिंदाबाद, यासिर साहब जिंदाबाद, भट्ट साहब जिंदाबाद, लतीफ साहब जिंदाबाद, सारी जिंदाबाद। एक्चुअली आज हमें डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में यूथ की ज्वाइनिंग थी जो हमने आज यहाँ पे की। ऑलरेडी ये हमारे हिलाल साहब है, इनको हमने डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट श्रीनगर नॉमिनेट किया है इन फ्रंट ऑफ जनरल सेक्रेटरी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर यासिर साहब है। यहाँ पे मेरे साथ लतीफ साहब है जो प्रोवेंशियल सेक्रेटरी कश्मीर है और डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के जनरल सेक्रेटरी भी है यहाँ पे। तो इन्होंने आज ज्वाइन किया और खुल के यूथ आया जिन्होंने आज हमारी पार्टी का दामन थाम लिया। आज हमने दिल की उम्मीद गहराइयों से इनको वेलकम किया। उम्मीद है कि ये लोग काम अच्छे से ईमानदारी से पार्टी के लिए करेंगे, जहां पे भी कुछ प्रोग्राम्स हमारी फंक्शंस होंगे तो ये वहां पे अपना रोल अच्छे से अदा करेंगे। तो आज हमने इनको नॉमिनेट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर किया, तो मुझे पूरी उम्मीद है इनपे कि ये अपना काम ईमानदारी से और अच्छे से यहां पे निभाएंगे। श्रीनगर हमारी पार्टी जो है ये एक सेक्युलर पार्टी है, एक लिबरल पार्टी है, तो इस वजह से खुल के यूथ जो हमारा ऑलरेडी चिराग पासवान जी है वो फूड प्रोसेसिंग के मिनिस्टर है इस टाइम कैबिनेट में, तो वो खुद एक यूथ है तो उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत है, लोग उनको चाहते हैं, कश्मीर में भी लोग उनको चाहते हैं, काफी सारे यूथ्स भी उनको कश्मीर में चाहते हैं। ऑलरेडी उनको इनवाइट हमने किया है, 11 तारीख को उनका विजिट है यहाँ पे, खुल के वो यूथ से यहाँ पे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और मे बी उनको मत यहाँ पे कोई प्लांट भी इंस्टॉल करना होगा क्योंकि जो यहाँ पे अभी अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, जो यूथ यहाँ पे टेक्निकल हैंड है वो वहां पे एडजस्ट हो जाए। हमारी पार्टी तो ऑलरेडी इस टाइम एनडीए में है, जो हमें एनडीए बोलेगा हम वो करेंगे। अगर हमें एनडीए ने बोला कहीं पे कैंडिडेट्स खड़ा करो तो हम कैंडिडेट्स अपने खड़ा करेंगे। तो जो बाकी पार्टियों की बात है, उनको अगर लगता है दो सीटों से उन्होंने चुनाव जीता तो मेन इलेक्शन जो आ रहा है ये अब है, तो इसमें अब पता चलेगा, पलट चेंज हो जाएगी, अब पता चलेगा कौन पार्टी कितनी आगे है। उनके लिए यही मैसेज देना चाहता हूं कि अब अगर वो भी मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं हम उनको मोस्ट वेलकम करते हैं। अगर वो मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं हमारे साथ हाथ मिलाए, ड्रग्स वग्स को छोड़ के एक सही तरीके से अपनी लाइफ गुजारे। उसमें जेएनके पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले हुए हैं, तो अब ये हम चाहते हैं जो यूथ है यहाँ पर जिनका फ्यूचर अभी ड्रग्स में जा रहा है तो वो इस गंदगी से बाहर आए और सही तरीके से अपनी जिंदगी गुजारे। मेरा नाम इकबाल अहमद सर है, इसी वजह से ये पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपने भाई लोगों को कुछ हासिल करना चाहता हूँ। हमारा ये धंधा है सर, काम का रोजी रोटी हमको तरीके से नहीं मिलता है, जैसे मिलना चाहिए, इसी वजह से हमने इस पार्टी के साथ ज्वाइन करना चाहिए। हम फैमिली वाला है सर, सारा जो लोग इधर से आए हैं, बहुत सारे यहाँ से आइए सर, यहाँ से बहुत सारे लोग आए क्योंकि ये भी जब फायदा इनका होगा तो तब ये ज्वाइन पार्टी करना चाहते हैं।